अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF फिर से एक बार विवादों में है। दरअसल AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के छोटे भाई और असम के जमुना मुख से विधायक सिराजुद्दीन अजमल पर असमिया भाषा का अपमान करने का आरोप लगा है। जमुना मुख निर्वाचन क्षेत्र के AIUDF विधायक सिराजुद्दीन अजमल ने असम विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने कथित तौर पर असमिया भाषा में बात करने से इनकार कर दिया था। विधायक ने उन्हें और उनके बड़े भाई यानी कि बदरुद्दीन अजमल को एक इंटरनेशनल फिगर घोषित किया था और कहा था कि AIUDF पार्टी केवल असम तक ही नहीं बल्कि अब ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। असम के जमुना मुख से AIUDF विधायक सिराजुद्दीन अजमल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैं असमिया नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। AIUDF पार्टी केवल असम तक सीमित नहीं है और अब ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। मेरे भाई मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक इंटरनेशनल फिगर है और इसीलिए सभी को अंग्रेजी समझनी चाहिए। ये मेरी पसंद है कि मैं किस भाषा में बात करूँ। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और बाद में सिराजुद्दीन अजमल ने इस पर सफाई दिया और उन्होंने कहा कि उनका मकसद असमिया भाषा का अपमान करना नहीं था। हालांकि लगे हाथ असम के CM हिमंत बिस्व शर्मा ने सिराजुद्दीन अजमल को नसीहत दी और कहा कि असम में असमिया भाषा का अपमान स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिराजुद्दीन अजमल से असमिया भाषा सीखने को भी कहा। आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF पर अक्सर असमिया विरोधी होने और असम में मियां संस्कृति फैलाने का आरोप लगता रहा है और अब एक बार फिर से बदरुद्दीन अजमल के छोटे भाई यानी कि जो सिराजुद्दीन अजमल है उन्होंने कहा है कि वो असमिया भाषा में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल फिगर है। ইন্টারন্যাশনাল মানুহ মানুহ মোক পুরো দুনিয়ার মানুষে জানে ইংলিশে নকলে মানুষে বুঝি না পায় অজমল ডাঙরিয়ার যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছো সেই কথাখিনি একেবারে গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো যে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া যিমানে ইন্টারন্যাশনাল মানুহ নহওক কিয় ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে মাটিৰ পৰা মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইন্টারন্যাশনাল হব নোৱাৰে গতি মই তেওঁক অনুরোধ করিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক অসমীয়া পাৰিব। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।